हेलो दोस्तों, मैकमा एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम कविराज भूषण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में हम एक पूरी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न कवियों तथा उनकी रचनाओं तथा उनके जन्म स्थान, जन्म तथा मृत्यु के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने तूलदास, तुलसीदास, कपूरदास, कबीरदास, बिहारी जी तथा उन अन्य कवियों के जीवनी, उनकी मृत्यु तथा उनके जन्म स्थान से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चन हिंदी जिस एग्जाम में भी पूछी जाती है, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी जाती है, कवि तथा उनकी रचनाओं, उनकी तथा जीवन स्थान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पीपी, यूपीएसआई तथा वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए भूषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय। तो भूषण का जन्म संबत 1670 को हुआ था। संबत 1670 को भूषण का जन्म तथा 1613 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और भूषण की मृत्यु 1715 ईस्वी में होगी। 1715 ईस्वी 1772 संबत में भूषण की परलोकवासी होगी, अर्थात भूषण की मृत्यु। अब भूषण की रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो भूषण की रचनाएं छह ग्रंथ माने जाते हैं। भूषण के मूलतः छह ग्रंथ माने जाते हैं। पहला शिवराज भूषण, द्वा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण उल्लास। परंतु इसमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक तथा शिवा बावनी ही उपलब्ध हैं। भूषण मुख्य रूप से एक दरबारी कवि थे। इन्होंने वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं की हैं। भूषण की भाषा। भूषण ने अपनी भाषा में ब्रज भाषा को स्थान दिया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है तथा इनकी भाषा में वीर रस को अधिकाधिक महत्व दिया गया है। ब्रज भाषा में वीर रस को अधिक महत्व इन्होंने दिया है तथा वीर रस को अपनाया है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भूषण की भाषा क्या थी। तो भूषण की, कविराज भूषण की भाषा ब्रज भाषा थी तथा इन्होंने वीर रस को अपनाया। आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हमने भूषण से संबंधित हुए क्वेश्चन किए जो परीक्षा के दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है तथा आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार हिंदी से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।